नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आयो मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल पढ़ी होंगे। तो यार आज की वीडियो में ना दो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि ब्रेजा की सबसे बिगेस्ट जो कॉन्स है या जो कार में मुझे कमियां लगती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा ये जो माइलेज टेस्ट आज मैं कर रहा हूँ, ये माइलेज टेस्ट है। मेरी लास्ट ट्रिप पे मैंने क्या करा था, इसको 100 से नीचे चलाया था, 80 से 100 के बीच में। तो वहां पर इसकी हाईवेज पे जो माइलेज आई थी अराउंड 17 समथिंग आई थी, 17 पॉइंट कुछ। आज मैं इस कार को 100 प्लस चला रहा हूँ और ये 100 से 130 के बीच में मैं रखूंगा, 140-150 पे नहीं जा रहा मैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा मैक्सिमम 100 से 130 तक ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो अभी MID में माइलेज आ रही है इसकी आ रही है 14.5 और अभी मैं हूँ एक्सप्रेस वे पे। तो एक्सप्रेस वे पे मैं इसको कंटिन्यूसली 110, 120, 130 ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको MID भी दिखाऊंगा, पहले इसके कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यार इसका सबसे बड़ा जो कॉन है ना यार, मैं बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुका हूँ, वो इस कार की क्लैडिंग है। और क्लैडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बेकार लगती है दिखने में या बड़ी है, दिखती वो जैसी भी हो दोस्तों, पर यार वो उसको इतना टफ हो जाता है मेंटेन करना। और स्पेशली अगर आपकी कार जैसे ही 1.5-2 साल पुरानी होगी ना, उसका रंग ही उड़ जाएगा, वो बिल्कुल फेड हो जाएगी यार लिटरली। और उसको बार बार पॉलिश करो कहीं भी जाओ, और आई मीन दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, मैं बता नहीं सकता यार। कहीं पे कहीं जाना हो, कोई ऑफिशियल काम आ जाए, आप कितनी भी कार बाहर से ड्राई क्लीन करवा लो, रबिंग पॉलिशिंग करवा लो, उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। एक पॉलिश खरीद के रखो, उसको रगड़ो घड़ो की तरह। ये बहुत ज्यादा ही मतलब बेकार चीज है। सबसे बुरी बात मुझे लगती है इसकी क्लैडिंग की, दूसरी बात तो सोची नहीं। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो कॉन मेरे को लगता है वो मुझे लगता है इसके स्टेयरिंग का। अब इसके स्टेयरिंग के कॉन में ना दो चीजें आती हैं। इसका जो स्टेयरिंग है ना भाई, हाईवे के हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि हाईवे पे आपको थोड़ा सा हैवी स्टेयरिंग ही चाहिए होता है ताकि आपकी कार स्टेबल रहे। जैसे अभी मैं ऑलरेडी 120 पे चल रहा हूँ, तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस मेरे को आ रहा है स्टेयरिंग पे कि मैं छोड़ भी सकता हूँ और इतनी जल्दी ये मूव नहीं करेगा। और मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि कोई और ऐसा कुछ टेस्ट करे, मैं बस एक क्विक आपको करके दिखा रहा था। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि सिटी में ना ये सही नहीं लगता, क्योंकि सिटी में आपको थोड़ा सा लाइट स्टेयरिंग चाहिए होता है। सिटी में भी ये उतना ही भारी है जितना भारी है हाईवे पे लगता है मुझे कभी कभी। और इसको जो टर्न करते हैं हम, और भी कार्स आती हैं इस सेगमेंट में, इस बजट में, जहाँ पे आपको अच्छा बहुत स्मूथ स्टेयरिंग मिलता है जिसको आप इजीली रोटेट करते हो, तो ये स्टेयरिंग का एक कॉन है। पर ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को इसका स्टेयरिंग बहुत अच्छा लग सकता है, कुछ को बहुत बुरा लग सकता है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इस कार की सिर्फ बुराइयां ही क्यों कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि मैंने इस कार की अच्छाइयां भी बहुत करी हैं। मेरे चैनल पे इसकी अच्छाइयों की भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, उसको भी आप चेकआउट जाके जरूर कर लेना। दोस्तों जो तीसरी कॉन, जो तीसरी बुराई मैं इस कार की करूंगा बिल्कुल ओपनली इसको 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद, वो है इस कार के इंटीरियर्स। इस कार के इंटीरियर्स भी इसकी क्लैडिंग की तरह ही है भाई, इनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है भाई, इनमें भी बैक टू बैक पॉलिश करके रखनी पड़ती है। आई मीन हर 1-2 या 2.5 हफ्ते बाद मैक्सिमम वो थोड़े से फेडेड और आउटडेटेड से लगने लगते हैं, तो आपको भाई वहां पर भी पॉलिश करनी पड़ेगी। वरना जो आपकी नई कार है ना, जिसको आपने 20,000 किलोमीटर भी नहीं चलाया या 1.5 साल, वो ना सॉर्ट ऑफ पुरानी लगने लगेगी। इसके इंटीरियर्स के लिए और क्लैडिंग के लिए आपका स्पेशल खर्चा होगा अलग से। अब अगर चाहे तो आप अपने छोटू से करवा सकते हो, जो आपका कार क्लीनिंग वाला बंदा होता है, या फिर जो भी है। ये भी एक कॉन है इसके इंटीरियर्स को लेके, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। दोस्तों जो नेक्स्ट कॉन मैं इस कार का आपको बताऊंगा, वो आपने पहले भी कई वीडियोस में सुना होगा, वो ये है कि इस कार में ना 130 के आसपास या 40 पे आप जब जाओगे, मतलब इस रेंज में जब आप चले जाते हो 120 प्लस, तो आपको 6th गियर की ना नीड फील होती है। जो कार का RPM है वो सेटल नहीं हो पाता है, कार की जो इंजन की नॉइस है वो सेटल नहीं हो पाती है काइंड ऑफ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इसमें 6th गियर होते, क्योंकि देखो मुझे पता है इसका प्राइस सस्ता है, काफ़ी अच्छे फैक्टर्स भी हैं इसके, पर एक चीज़ जो है वो फील होती है, अगर इसमें 6th गियर भी होते तो इसकी माइलेज और ज़्यादा अच्छी होती 120 प्लस वाली रेंज में। मैं बता रहा हूँ जैसे 120 प्लस चलाने पे इसकी माइलेज कम हो जाती है। अगर आप इसको 100 या उससे नीचे चलाते हो तो आराम से भाई आप इस कार से 20 की माइलेज भी अचीव कर सकते हो। स्पेशली अगर आप कंटिन्यूसली 80-90 के बीच में चलाओगे ना, तो आपकी 18 की माइलेज कन्फर्म आती है। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो मैं इस कार की कौन आपको बताना चाहूंगा, वो इंटीरियर से रिलेटेड भी है और काइंड ऑफ नहीं भी है, वो है इसका AC का वेंट। इसके जो AC के वेंट की लुक है ना, मुझे ऐसा लगता है यार कि जब आप मारुति की कोई भी कार लोगे ना, ऑल्टो, वैगन आर, तो जो AC के वेंट की क्वालिटी और जो शक्ल है ना, वो ही ब्रेजा की भी है। तो यार बंदा 9-10 लाख रुपए लगा रहा है इस कार पे,
तो एसी के वेंट में कुछ तो नया करो। आई मीन अब कैसे सेम एसी का वेंट दे सकते हो जिसमें एग्जैक्टली सेम वही कटकट वाला, ये बहुत बेकार लगता है। और सेम चीज दोस्तों अप्लाई होती है इस कार की चाबी के ऊपर भी। इस कार की चाबी भी आपको वैसी ही मिलती है जैसी आपको मारुति की कोई नॉर्मल कार की चाबी मिलती हो। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई इस कार की जो चाबी है ना, मतलब आई डोंट सॉर्ट ऑफ लाइक इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मेजर खर्चे नहीं है, मारुति इसको आराम से कर सकता है। जिस बजट में ये कार आती है तो इन चेंजेस को डेफिनेटली करा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट कौन जो मैं आपको बताऊंगा या फिर वीकनेस मैं इस कार की बताऊंगा वो ये है कि आज की डेट में, चलो हमने तो थोड़ा टाइम पहले ली थी, पर आज की डेट में अगर आप कॉम्पिटिशन देखते हो तो सारे के सारे ब्रांड्स आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग दे रहे हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करो, चाहे आप सोनेट ले लो, नेक्सॉन ले लो, 3XO ले लो, वेन्यू ले लो, ये अकेली कार ऐसी बची है इस साइज की जिसके बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोग कहेंगे कि इसका इंजन अच्छा है और बाकी चीजों की वजह से शायद इसलिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा चाहे आप 5-10 हजार रुपए बढ़ा दो भाई, लोग डेफिनेटली खरीदेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना कि अगर इस कार में 6 एयरबैग आते हैं और कंपनी बढ़ा दे यार 5-7 हजार रुपए, तो क्या आप माइंड करोगे इसको पे करना या नहीं पे करना चाहोगे? क्योंकि दोस्तों अगर कार में 6 एयरबैग्स होते हैं ना तो ब्रेजा की सेफ्टी रेटिंग सही है, 4 स्टार है, और नई वाली ब्रेजा की बिल्ड भी अच्छी है, तो थोड़ा सा बंदे को और कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरी कार में 6 एयरबैग है, तो उनको थोड़ा सा और पॉजिटिव फीलिंग आती है। दोस्तों एंड में मैं इस कार की थोड़ी तारीफ भी कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस इंप्रेशन में रहें कि मैंने बुराई करने के लिए वीडियो बनाई है। इस कार की बहुत सारी अच्छी बातें हैं और बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं क्विकली कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा आपको। भाई इस पैसे में ना इतनी बड़ी कार नहीं मिलेगी। साइज में अगर आप डायमेंशन में देखते हो, कार का बहुत अच्छा स्पेस है अंदर बैठने के बाद, हेडरूम काफी अच्छा है, तो कार बहुत स्पेशियस है और बाहर से देखने में भी काफी बल्कि लगती है। सस्पेंशन काफी अच्छे हैं, तो आपको थोड़ा सा एसयूवी वाली वाइब इसमें आ जाएगी। 1.5 लीटर का इंजन आपको मिल जाता है। अब इतने पैसों में यार कोई भी कंपनी आपको इतना बड़ा इंजन नहीं ऑफर कर रही है इस पूरे सेगमेंट में। तो अगर आप इंजन लवर हो कि मेरी कार में इंजन अच्छा होना चाहिए 4 सिलेंडर का 1.5 लीटर का, क्योंकि इसमें नॉइस काफी कम होती है, 120 के आसपास भी इंजन से इतनी नॉइस नहीं आती है। आप लोग जैसे फील कर ही रहे होगे, आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, कि इतनी ज्यादा नहीं आ रही है कि कानों में चुभे या कोई परेशानी हो। दोस्तों कार की ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, 198 mm, ऑलमोस्ट 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस फील कराती है। खड्डे वड्डे जो भी आते हैं तो काफी अच्छे से हैंडल कर लेती है। मैंने इस कार को 2-3 दिन में ना भी रूरल एरियाज में भी चलाया है जहां पर अच्छे रोड नहीं थे, काफी मतलब सही परफॉर्म करा इसने, मुझे इतना रिग्रेट नहीं हुआ। एट लास्ट बिल्ड भी 4 स्टार आती है, तो इतना दिल पे छुपने वाली बिल्ड नहीं है कि यार क्या हो गया, तो वो देख लेना थोड़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये जो कार है इसकी रीसेल भी काफी अच्छी है। तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो बिलीव करता है कि भाई मेरी कार की रीसेल बढ़िया हो जाए, तो आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। इसकी मंथली सेल्स भी सबसे ज्यादा है, टॉप सेलिंग कार है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, और इस कार की रीसेल भी बहुत अच्छी है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।